हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग वाचा। मैं हूं यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या रोमन रेंस रिवील करने वाले हैं अपने लिए न्यू चैंपियनशिप, प्लस कौन होंगे रोमन रेंस के नेक्स्ट चैलेंजर्स। जैसे कि आपको पता है कि ट्रिपल एच ने रिवील की है न्यू चैंपियनशिप, दैट इज WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और क्या अब रोमन रेंस की बारी है टू रिवील द न्यू चैंपियनशिप, प्लस कौन होंगे रोमन रेंस के नेक्स्ट शॉकिंग ओपोनेंट्स, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, फर्स्ट हम बात करेंगे रोमन रेंस के नेक्स्ट शॉकिंग चैलेंजर्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि रोमन रेंस अब होने वाले हैं स्मैकडाउन में, और काफी सारे सुपरस्टार्स हो चुके हैं स्मैकडाउन का पार्ट। तो सबको ये जानना है कि आखिर रोमन रेंस के नेक्स्ट चैलेंजर्स कौन होंगे। आपको जैसे पता है कि रोमन रेंस के इतने बड़े टाइटल रेन में उन्होंने नियरली सबको हराया है, और अभी बारी आ गई है कि रोमन रेंस को तगड़ी फ्यूड देने की। जैसे कि आपको पता है कि रेसलमेनिया के बाद जो सबसे बड़ा पेपर व्यू होता है वो होता है समर स्लैम, और समर स्लैम में हमें काफी बड़े बड़े एपिक मैचेस देखने मिलते हैं। तो सबको ये जानना है कि रोमन रेंस का चैलेंजर कौन हो सकता है पॉसिबली एट समर स्लैम। तो दोस्तों, रिपोर्ट आई है बट ये 100% कन्फर्म नहीं है, बट इंफॉर्मेशन मिली है कि रोमन रेंस के समर स्लैम का ओपोनेंट हो सकता है एजे स्टाइल्स या फिर बॉबी लैशली। तो ये दो तगड़े ओपोनेंट ढूंढे हैं रोमन रेंस के लिए WWE ने। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि WWE किसे सिलेक्ट करती है रोमन रेंस के लिए एट समर स्लैम। दोनों ही काफी तगड़े ओपोनेंट्स हैं, और इन दोनों की फ्यूड पहले हो चुकी है रोमन रेंस के साथ, जो कि काफी कमाल की थी। प्लस इनके मैचेस भी काफी जबरदस्त है रोमन रेंस के साथ। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि WWE क्या डिसाइड करते हैं रिगार्डिंग रोमन रेंस ओपोनेंट एट समर स्लैम। अब दोस्तों, हम बात करेंगे नेक्स्ट बड़ी अपडेट के बारे में जो जुड़ी है रोमन रेंस के न्यू टाइटल के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि ओवर द ईयर्स काफी लोगों ने दो चैंपियनशिप हेल्ड की है एट अ टाइम, बट अभी ये कहा जा रहा है कि कोई भी दो टाइटल कैरी नहीं करेंगे जस्ट लाइक रोमन रेंस। और इसकी वजह से ही ट्रिपल एच ने रिवील की थी न्यू चैंपियनशिप, दैट इज वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और दोस्तों, अभी ये भी कहा जा रहा है कि वुमेन्स चैंपियनशिप भी नई आने वाली है, और साथ ही साथ ये भी रिपोर्ट आई है कि रोमन रेंस के लिए न्यू टाइटल पे WWE काम कर रहे हैं, जिसका मतलब ये हो सकता है कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप एंड WWE चैंपियनशिप ये मर्ज करेंगे और एक न्यू टाइटल बनाएंगे रोमन रेंस के लिए एक न्यू डिजाइन के साथ। तो क्या ये दोनों टाइटल मर्ज करते हैं, या फिर कोई एक ही टाइटल रिटायर करके वो नया टाइटल लाते हैं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। पर अभी WWE टाइटल बेल्ट्स जो है वो काफी जबरदस्त बना रही है। होपफुली रोमन रेंस के लिए जो टाइटल बनाएंगे ये लोग वो काफी जबरदस्त होगा, जस्ट लाइक WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। बट ये कब बनने वाला है और रोमन रेंस इसे कब रिवील करेंगे, इसके बारे में अब तक कोई भी रिपोर्ट आई नहीं है। बस इतनी ही आई है कि WWE वर्क कर रहे हैं रोमन रेंस के न्यू चैंपियनशिप के लिए। सो लेट्स सी कब आती है वो चैंपियनशिप और रोमन रेंस कब रिवील करते हैं उसे। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसे लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, फर्स्ट आप किसे सिलेक्ट करेंगे रोमन रेंस के समर स्लैम के ओपोनेंट के लिए, एजे स्टाइल्स या फिर बॉबी लैशली। एंड सेकंड, क्या आप एक्साइटेड हैं रोमन रेंस की न्यू चैंपियनशिप देखने के लिए। सो गाइस, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।